लोगों से अगर पूछा जाए कि भाई तुम्हारी बात समझ में आई, नहीं जी, क्यों? अगर एक बीज तुमको मिले, तुम अगर बाजार में जाओ और कहो दुकानदार से कि एक बीज देना, एक बीज, और दुकानदार तुमको एक बीज बेचे और तुम वो बीज गुरु महाराज के पास लाओ, तो गुरु महाराज से कहो कि भाई ये एक बीज हमने खरीदा, तो गुरु महाराज कहेंगे ये एक बीज नहीं है, ये तो पूरा का पूरा जंगल है, तेरे हाथ में बीज नहीं है, ये तो जंगल खड़ा है, इसमें मैं बीज नहीं देख रहा हूं, उसमें मैं जंगल देख रहा हूं। तो लोग क्या कहते हैं, अरे ये तो बेकार की बात है, ये तो बीज है ना? नहीं, ये बीज नहीं है, क्योंकि जो महापुरुष है, जो वो देने वाला है, जो वो समझने वाला है, वो समझता है अच्छी तरीके से कि इस बीज को बो, इसमें से पेड़ निकले। आदमी कहता है कि जी इसमें पेड़ हो ही कैसे सकता है, ये तो बीज है, ये तो छोटा सा बीज है, इसमें से पेड़ कहां से निकलेगा? परंतु माली होता है ना, माली, देखो एक तो होता है माली और हाथ से और क्या कहते हैं, बुरी घास निकालता है जिसे वीड कहते हैं, उसको निकालता है, फूलों को पानी देता है, क्या कहते हैं जो पत्तियां सड़ गई हैं उनको निकालता है, बाग लगाता है, बगीचा लगाता है, पेड़ पैदा करता है, पेड़ों में फल होते हैं। एक तो है माली, एक होता है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, अब वो क्या सिखाता है, बायोलॉजी सिखाता है। एक तो होता है प्रोफेसर जो बताता है कि ये घास है और इस घास की जड़ ये है और ये है और ये फूल है गुलाब का, बच्चों को शिक्षा देता है कि ये गुलाब का फूल है, इसमें इतनी पत्तियां होती हैं, इसका ये नाम है, इसका ये है, इसका वो है। और एक होता है माली, माली को चाहे फूल का ऑफिशियल नाम क्या है ये मालूम हो या ना मालूम हो, परंतु जो प्रोफेसर अपने बोर्ड पे फूल की फोटो बना के लोगों को समझा रहा है, उसमें और माली में कितना अंतर, सोचो आप। माली, माली से जब गुलाब की बात कहो, है ना, तो माली कहता है एक मिनट, एक मिनट, बगीचे में से जाकर के एक गुलाब का फूल ला करके तुम्हारे हाथ में थमा सकता है। क्यों? कि उसके बाग में फूल लगा हुआ है। जब माली से बात करो तो वो स्वयं सोचता है कितनी सुंदर सुगंध है, और वो थ्योरी, उसको थ्योरी की बात करने की जरूरत नहीं है, माली को थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाग में गुलाब का फूल, और तुमसे थ्योरी में बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो गुलाब के फूल की बात करना चाहता है तो वो गुलाब का फूल तुमको पेश कर सकता है, और जो प्रोफेसर है ना यूनिवर्सिटी में, वो सिर्फ बात ही बात कर सकता है, गुलाब का फूल नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसकी सारी जिंदगी यूनिवर्सिटी में बिकती है, उसकी जिंदगी यूनिवर्सिटी में बीतती है, उसका बाग बगीचा कुछ नहीं है। वो तो सिर्फ बोर्ड में बड़ी अच्छी तरीके से फूल की पिक्चर बना सकता है, बस ये अंतर होता है।
और यही अंतर को मैं भी महसूस करता हूं कि कितने साल पहले मेरे गुरु महाराज ने मेरे पे कृपा करके मेरे को भी एक बीज दिया, एक बीज दिया। सिर्फ बीज दिया। पानी डालना है तुमको, तुम डालो। बीज ये है, इसमें से क्या निकलेगा, क्या निकलेगा ये भी नहीं बताया। क्या निकलता है इस बीज में से? तो ये बीज है, इसको बोओ अंदर। और बोआ, बोते इस रेगिस्तान में, क्या ये ओएसिस है? इस रेगिस्तान में कितना सुंदर बगीचा लगा है। और जब भी मैं इस बगीचे को महसूस करता हूं तो मेरा हृदय स्वयं मेरे गुरु महाराज के लिए, उनके आदर से, उनके प्यार के लिए स्वयं भर आता है। ज्ञान है क्या? बहुत सुनी है इसकी परिभाषा। भगवान की कितनी परिभाषाएं हैं, और एक है अलख निरंजन। अलख निरंजन, अनंत, जो था, है और रहेगा। तुम नहीं थे, हो और नहीं रहोगे। पर एक समय है जिसमें तुम भी हो और वो भी है, और ये है तुम्हारा समय। जो कुछ करना है इस समय करना है, इसके बाद नहीं, अब करना है। जिसे जानना है वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारे पास है। तुम में कोई कमी नहीं है, बस लाइट जलाने की जरूरत है। और अगर लाइट जला दी तो तुम देख पाओगे कि सच्चाई क्या है, और जो सच्चाई है वो अति सुंदर है। उसमें ब्रह्मा का भी रूप है, उसमें विष्णु का भी रूप है, और उसमें शिव का भी रूप है, तीनों चीज। और जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये तीनों गुण तो हैं ही हैं, पर इनसे भी परे वो है।
क्या है कि विधि हरि हर जाको ध्यान करत हैं मुनिजन सहस अठासी सोई हंस तेरे घट माही अलख पुरुष अविनाशी। जिसके हृदय में जिसके अंदर वो हंस विराजमान हो, जिसकी पूजा जिसका भजन ब्रह्मा विष्णु और शिव करते हैं, उसको कभी उदास होना चाहिए? होना चाहिए? तो क्यों होता है? क्यों होता है? क्यों मनुष्य को ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली नहीं? जब ये श्वास तुम्हारे अंदर आ रहा है जा रहा है, और जब तक ये आ रहा है जा रहा है तुम जान सकते हो, और क्योंकि तुम जान सकते हो तुमने क्या जानने की कोशिश की अपने जीवन में? तो ये जो ज्ञान है ये क्या है? जो अनंत है, जो अनंत है, अगर उसको जानो कि वो है सागर, है जी सागर, तो क्या तुम सारे सागर को पी सकते हो? हाँ या ना? कोई यहां सोच रहा होगा थोड़ा थोड़ा करके पी लेंगे ना? बहुत बड़ा है सागर। परंतु अगर सागर की एक बूंद तुमने चख ली, सिर्फ एक बूंद सागर की अगर तुमने चख ली, तो तुमने सारा सागर चख लिया। एक बूंद जो चख ली, दूसरी बूंद भी वैसी होगी, तीसरी बूंद भी वैसी होगी, चौथी बूंद भी वैसी होगी, पांचवी बूंद भी वैसी होगी, छठी बूंद भी वैसी। एक बूंद चख लो तो तुमने सारा सागर चख लिया, और ये सागर जो तुम्हारे अंदर है इसकी अगर तुमने एक बूंद भी चख ली एक बूंद का भी अनुभव कर लिया, तो क्या कर लिया? सारे पूरे अनंत का अनुभव कर लिया। यह है ज्ञान। जो असंभव को संभव बना दे, जो असंभव को संभव बना दे, यह है असंभव को संभव बनाना। क्या कि एक बूंद अगर चख ली, अनुभव की बात है, किताब की बात नहीं है, शब्दों की बात नहीं है,
अनुभव की बात, हृदय की बात है। तुम सारी सृष्टि को, भगवान को, उनकी प्रकृति को, सबको अपने मन की आंखों से देखते हो। कभी हृदय की आंख से कुछ देखने की कोशिश की है? दुनिया के लोग हैं, कोई पैसा मांगता है, कोई ये मांगता है, कोई वो मांगता है। हमको इन चीजों से मतलब नहीं, हमको मतलब है कि तुम अपने जीवन में उस चीज को पाओ जो तुम्हारे अंदर है, क्योंकि तब तक तुम्हारा असली कल्याण नहीं होगा। तब तक तुम सब कुछ होने के बावजूद भी ये महसूस करोगे कि कुछ नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद भी तुम ये सोचोगे कि कुछ नहीं है, या कुछ और भी होगा। जो लोग ये महसूस करते हैं कि कुछ और भी होगा, तो मैं उनके लिए ये कहता हूं, है, परंतु जो है वो तुम्हारे अंदर है। परिचय हुआ, मिले, क्या करोगे? अगर मिल गया तुम्हारे अंदर, क्या करोगे? बात करोगे? पूछोगे? ये अपने हृदय को आभार से भरने दोगे कि तैने मेरे लिए सब कुछ किया, सब कुछ। जिस दिन तुम चंद्रमा को देख करके ये कहोगे कि ये चंद्रमा है, और उसकी जो उसका स्वरूप है, सुंदरता है, उसको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि अब जब देखते हो ना, एक आदमी ने हमसे कहा कि आज आधा है, चंद्रमा की ओर देख के कहा आधा है। मैंने कहा तेरा दिमाग खराब है, चंद्रमा कभी आधा नहीं होता, वो तो पूरा रहता है, तेरे को आधा दिखाई दे रहा है और मेरे को पूरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो पूरा है। कल थोड़ा और होगा, कल और उसके बाद थोड़ा और होगा, और होगा, और होगा, और फिर पूरा हो जाएगा। तभी तो समझेगा कि पूरा है। नहीं, पूरा तो ये हमेशा है। हम हर दिन उठ करके क्या चालू करते हैं अपना दिन, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। हमने उस सुंदरता को छोड़ दिया। अब जब चंद्रमा को देखते हैं तो कहते हैं आधा है, चौथाई है, ये है, वो है। देखो, देखो क्या है, क्या है, कितना सुंदर है। अपने आप को देखो। जब तुम आईने में अपने आप को देखते हो तो क्यों देखते हो? सच कहूं, ये देखने के लिए कि खराब क्या है? नहीं, नहीं। जो कंघी लेके चलते हैं अपने पास, वो आईना में देखते हैं, मेरे बाल तो ठीक है, अगली बार
जब अपने को आईने में देखो ये मत देखो कि क्या खराबी है, ये देखो कि ये मैं हूं, ये मैं हूं। और जिसने तितली को बनाया, जिसने बादल को बनाया, जिसने तारों को बनाया, जिसने सूरज को बनाया, जिसने नदी को बनाया, जिसने पक्षी को बनाया, जिसने फूल को बनाया, क्या उसी ने ये भी बनाया? मैं गलत कह रहा हूं तो मत करना, मैं गलत कह रहा हूं तो मत करना। तुमको किसी और ने बनाया है, अगर अगर तुम समझते हो कि तुमको शैतान ने बनाया है तो बात अलग है, परंतु शैतान ने नहीं बनाया। बनाया है उसी ने, बनाया है उसी की प्रकृति ने बनाया। और मैं क्यों कह रहा हूं, तुमको गर्व करने के लिए नहीं कह रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि तुम अपने हृदय में आभार प्रकट कर सको। आभार इस जीवन के लिए, धन्यवाद, आभार प्रकट करो। जिस दिन तुम हर एक श्वास के लिए आभार प्रकट करना सीख जाओगे, उस दिन जीना किसे कहते हैं तुम समझ जाओगे। सचमुच में ये जीवन जो समय मिला है, इसको जरा आंख खोल के, हृदय को खोल के देखो। जैसे उस बीज में पेड़ है, है पेड़, उस बीज में पेड़ है, पर अगर बीज को काटोगे तो पेड़ थोड़े ही मिलेगा। अगर तुम उसको कोई कहे कि इसमें पेड़ है या नहीं है, है, पर कौन जानता है कि इसमें पेड़ है? माली जानता है इसमें पेड़ है। और किसी क्या कहते हैं, बेवकूफ के पास जाओगे तो कहेगा कि काट के देख लेते हैं। परंतु जाओ उस असली माली के पास जाओ, वो असली माली तुमको बताएगा कि इसमें क्या रखा हुआ है। अरे इसमें एक नहीं, तू तो एक आम के पीछे पड़ा हुआ है, तू तो एक पेड़ के पीछे पड़ा हुआ है, इसमें तो हजारों हजार पड़े हुए हैं, इसमें एक नहीं है, इसमें तो अनगिनत पेड़ है। क्योंकि जब ये पेड़ होगा, इसका भी बीज होगा, उसके भी बीज होंगे, उसके भी बीज होंगे, उसके भी बीज होंगे, इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है। जहां तक पृथ्वी है, जहां तक इसके लिए सही मौसम है, ये सब वहां तक पहुंच सकता है। तो वैसे ही हमारे हृदय के अंदर बनाने वाले ने भी
हमको एक बीज दिया है। सबके हृदय में एक बीज है, एक बाग है, और सतगुरु असली माली होते हैं उस बगीचे के, और कोई नहीं हो सकता उस बगीचे का माली। क्योंकि लोग समझते हैं कि उस बगीचे में हम लोग अपने परिवार का प्यार रूपी पानी डाल करके कुछ उगा लेंगे, ना उससे कुछ नहीं होता है। लोग समझते हैं कि बड़ी बड़ी मीटिंगें करके कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। लोग समझते हैं लड़ाई से कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। लोग समझते हैं कि गवर्नमेंट से कर लेंगे, उससे कुछ नहीं होता है। अरे भाई, ये तो जब सतगुरु के पास लोग जाते हैं और सतगुरु उस बीज को, उस पानी को, उस जगह को जब प्रेम से और प्यार से, समझ से, और जब बगीचा तैयार हो जाता है तो थका मांदा आदमी संसार का थका मांदा अपने ही हृदय में जाकर के, अपने ही बाग में जाकर के, और उस सच्चे बाग का जिसे सचमुच में आराम कहते हैं, जिससे सचमुच में आराम कहते हैं, जहां सचमुच में थकान दूर होती है, बात बात की नहीं, सचमुच की थकान, जहां सचमुच में शांति है, बात बात की शांति नहीं, जहां सचमुच में शांति है, जहां ऐसे ऐसे फल जो सचमुच में अंदर की भूख को मिटाते, ऐसा ऐसा झरना जो सचमुच में अंदर की प्यास को मिटाता, जहां ऐसे पेड़ जिनकी परछाई में बैठ करके मनुष्य अपने सारे दिक्कतों को, मुसीबतों को, हर एक चीज को, सारी दुनिया को छोड़ करके बैठ जाए, आंख बंद करके उस नींद का, जो नींद असली जगना है, नींद है परंतु असली जगना है, उसे कहते हैं, उस नींद को जो दुनिया के लिए नींद है और जो जानते हैं उनके लिए असली जागृति है, उस नींद में सो करके इस सपने से हट करके सपना यह है वो नहीं जो वहां दिखाई देता है, उस नींद में वो सपना नहीं, क्योंकि वो है असली जागृति। सपना यह है, सपना सब यह है। सोए हुए हो, उठो, उठ के देखो, अंदर जाके देखो। जितनी भी हमारी क्या कहते हैं सेंसेस है, आंख है, बाहर देखते हैं, अंदर थोड़ी देखते हैं। कानों से बाहर की चीजें सुनते हैं, अंदर की चीज नहीं सुनते हैं। और चखते हैं चीजों को, बाहर की चीजों को चखते हैं, अंदर की चीज को नहीं चखते। तो भाई, समझने की बात है कि हमारे अंदर भी वो बगीचा लग सकता है। कोई हमको भी वो रास्ता बता सकता है कि हम अपने अंदर जाएं। बाहर तो सब कुछ खोज लिया, बाहर तो सब कुछ ढूंढ लिया, क्या मिला, क्या किसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला। क्यों, मैं बताता हूं क्यों नहीं मिला, क्योंकि है ही नहीं कुछ। जब है ही नहीं तो मिलेगा क्या? अब कुछ होता तो कुछ मिलता, अब है ही नहीं कुछ, मिलने के लिए है ही नहीं। ऐसे कहते हैं असली ठग, कहते हैं हाँ है, कहाँ है भाई, और तुम गुरु महाराज के पास जाओ, तो कहते हैं है, और मैं बता भी सकता हूं, तुमको दिखा भी सकता हूं, तुम आओ। और हमारे साथ भी यही हुआ कि हमारे गुरु महाराज ने हमारे अंदर एक ऐसा बगीचा लगाया, एक ऐसी शांति, एक ऐसा सुख हमको मिला कि बार बार, अब हर एक समय ये हृदय उनका आभारी, ये जीवन
क्योंकि ऐसा जिसे कहते हैं प्रोफाउंड चेंज, जिसे ऐसा कुछ हुआ इस जीवन में जिससे कि ये जीवन सफल हो गया, जिससे कि इस जीवन के अंदर एक ऐसी चीज मिल गई कि इस जीवन के अंदर वाह वाह, इस जीवन के अंदर गुणगान गाने के लिए एक ऐसा क्या कहते हैं फीलिंग पैदा हो। खट अंतर बाग बगीचे, इस खट अंतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा, इस खट अंतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा, इस खट अंतर सात समंदर, इसी में नौ लख तारा, हो इसी में नौ लख तारा। इस खट अंतर बाग बगीचे, इसी में सृजनहारा, इस खट अंतर सात समंदर, इसी में नौ लख तारा, हो इसी में नौ लख तारा। हम कहते हैं कि अनुभव करो, अपने जीवन को सफल करो। तुम्हारा जीवन तुमको मिला है, किसी को दे नहीं सकते। श्वास की क्या कीमत है, श्वास की क्या कीमत है, क्या कीमत है? तुम कोई तुमको करोड़ों भी दे एक श्वास के लिए तो तुम दे नहीं सकते, न तो करोड़पति हमेशा जीता रहते। ये तुम्हारे अंदर आ रहा है और जा रहा है। श्वास
श्वास लेना तो तुमने सीख लिया, क्योंकि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक कहा ना मैंने, तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम श्वास को रोकने की भी कोशिश करो खूब, थोड़ी देर के बाद तुम बेहोश हो जाओगे और फिर श्वास अपने आप चलने लगेगा। पर श्वास को स्वीकार करना यह सीखा है या नहीं? श्वास लेना एक बात है, श्वास को स्वीकार करना एक बात है। हम तुमको श्वास लेना नहीं सिखाएंगे, हम सिखाते हैं श्वास को स्वीकार करना। हम तुमको घड़ी देख के टाइम बताना नहीं सिखाएंगे, हम सिखाते हैं इस टाइम को स्वीकार करना। स्वीकार करना। हम तुमको ये नहीं सिखाते खाना खाओ, ये करो वो करो, हम सिखाते हैं इस जीवन को जीना, ये सिखाते, इसका पूरा पूरा आनंद लेना। और तभी तुम इस हृदय को आनंद से, आभार से भर सकोगे। तो कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कहानी बहुत सरल है, सिंपल है। अपने को देखो, बड़े बड़े म्यूजियम बने हुए हैं, वहाँ बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगाते हैं, लोग पेंटिंग्स देखने जाते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर बनी हुई हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, करोड़ों करोड़ों की ये पेंटिंग्स बनाते हैं। और देखने वाला वो भी एक पेंटिंग है, और उसको बनाने वाला सबसे बड़ा आर्टिस्ट है, और सबसे बढ़िया पेंटिंग पेंटिंग देखने के लिए जाती है। और पेंटिंग तो सिर्फ दीवार पे टंगी हुई है, ये ऐसी पेंटिंग है कि ये चलती है, फिरती है, बोलती है, देखती है, नाचती है, रोती है, हंसती है। वो पेंटिंग कुछ नहीं करती है, ये पेंटिंग है। और ये पेंटिंग चाहे तो उनको बना सकती है, पर वो पेंटिंग चाहे तो इस पेंटिंग को नहीं बना सकती। ये प्रकृति उसका म्यूजियम है, और तुम उसके म्यूजियम में हो, इस समय उसके म्यूजियम में हो। कोई खर्चा नहीं है, कोई टिकट नहीं है, पर दरवाजे बंद जरूर होंगे और तुमको जाना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। कोई पाबंदी नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, आओ देखो, समझो, आनंद लो। आनंद की बात, सिर्फ आनंद की बात है, आनंद लो। अपने जीवन में उस सच्चिदानंद का आनंद लो, बस। जब तुम दुखी हो तो याद रहे तुम्हारा लक्ष्य है आनंद लेना, और उस समय भी आनंद है। आनंद से तुम कभी वंचित नहीं हो, हमेशा तुम्हारे साथ। प्रभु प्रेम पाया निज खट में, क्या बखान करूं इस मुख से, दर्शन से सब प्रभु मिट गए, माया के ताज बिसारे, अनुभव की बात अनोखी, जो गुंगा गुड़ खाए, अनुभव की बात।
और हम लोग समझें कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है ये क्यों मिला है, कैसे इसका फायदा उठाएं। अपने हृदय को खोलो, अपने हृदय। अरे भाई, क्या तुमने अपने हृदय को कभी महसूस नहीं किया? किया है। अजब, क्या कहते हैं ना, एक तरफ तो खींचता है मन, एक तरफ तो खींचता है मन और एक तरफ खींचता है हृदय, तब भी आपस में ताना तानी होती है अंदर, तब आदमी क्या कहते हैं कंफ्यूजन महसूस करता है, तब क्या कहते हैं उसको भरम होता है, क्योंकि दोनों चीजें एक तरफ है। तुम्हारा भी हृदय है, तुम्हारे अंदर भी हृदय है, हृदय की बात भी सुनो, हृदय को भी खोलो। उठो, अब उठने का समय है भाई, सबके लिए मैं कहता हूं कि अब उठने का समय, सोने का समय पूरा हुआ, अंदर की जागृति एक यही सब चीजों का हल है कि अंदर से मनुष्य की जागृति हो और हो सकती है। तो आप लोग समझो, सुनो और जितना आनंद ले सकते हो, जितना आनंद ले सकते हो उतना आनंद। सब लोगों के द्वारा